प्रदेश की जो ये घटना सामने आई है जिसके बारे में आपको बताऊंगी वो दिल दहला देने वाली है, मगर जो आग लगी है ना वो आपके घर तक पहुंचेगी। इसलिए आंखें खोलकर सोचिए कि क्या करना है आगे, किसको वोट देना है। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि जब गाड़ियाँ पलटते हुए बिना कानून का पालन करते हुए लोगों को शूट करा और आपने बजाई ताली कि भाई गुंडागर्दी का अंत हुआ, तो गुंडागर्दी का अंत नहीं हुआ, केवल शासक के अहंकार को उसकी शक्ति को आपने और शक्ति प्रदान की और वो सोचने लगा वो जो चाहता है वो कर सकता है। लेकिन उसके नीचे जो काम करने वाले हैं वो भी जानते हैं कि अब इस सिस्टम में रहना है और हम तो बच ही जाएंगे, जिस भी तरीके से जो भी कर सकते हैं कर लो। भ्रष्टाचार चरम पे उत्तर प्रदेश में, अहंकार के साथ साथ कानून को ना मानने का अहंकार सर पर चढ़ कर बोल रहा है योगी आदित्यनाथ जी के। और इसी का एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के चिपियाना आउटपोस्ट से आ रही एक खबर की। एक युवक के ऊपर एक आरोप लगाया उसकी सहकर्मी ने, ऐसा कुछ मामला बताया जा रहा है। उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस सवाल करने के लिए लेके आई चौकी पर। अब जब वो चौकी या थाने पर, तो जब थाने पे वो पहुंचा उससे पूछताछ हुई, लड़के का नाम योगेश। उसके भाई का कहना है कि पुलिस वालों ने 5 लाख रुपए मांगे, उसने रात को 50,000 रुपए पुलिस वालों को दिया, 1,000 रुपए शराब के लिए दिया और कहा कि अगली सुबह 4.5 लाख रुपए वो लाकर दे देगा। उसके बाद सवेरे उसका भाई लटका हुआ मिलता है और पुलिस वालों का ये कहना कि उसने आत्महत्या कर ली है, ये क्या बता रहा है। उसके शव को अस्पताल ले जाया गया जहां ये कहा गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वहां की एक अधिकारी का ये बयान है, इसको सुन लीजिए आप क्या कह रही हैं ये। देखिए जो मृतक हैं इनका आइडेंटिफिकेशन योगेश कुमार सन ऑफ तेजवीर सिंह, ये मूल रूप से खैर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुआ है। जो यहाँ पर चिपियाना में एक डोनाल्ड पार्टीज वर्कशॉप करके है, एक बेकरी की दुकान है, उसमें काम करते थे। जो अभी तक जांच के क्रम में हमको पता चला है कि एक इनकी सहकर्मी द्वारा भी इन पर कुछ एलिगेशन लगाया गया था और उस जांच के क्रम में इनको चौकी बुलाया गया था। और आज सुबह 10 बजे के आसपास इन्होंने यहाँ चौकी में जो साइड पे बैरक है उधर सुसाइड किया, तो तत्काल इनको जो पास का हॉस्पिटल है उधर शिफ्ट कराया गया था, लेकिन उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। मैम जो मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पैसे के लेने देने का आरोप लगाया, उसको लेकर क्या? देखिए अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, बिकॉज घटना है और गंभीर घटना है तो कुछ गाइडलाइंस है जिनका हमें पालन करना होता है, तो अभी हम उस प्रोसीजर को एक बार पूरी करवा रहे हैं। फील्ड यूनिट वगैरह और आला अधिकारी सभी मौके पर है, जो अग्रिम कार्रवाई है जो NHRC की गाइडलाइंस है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। मैम पुलिस जो है स्वजनों को क्या अभी तक सांत्वना दे पाई है, किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए सांत्वना की बात नहीं है, उनको ये बता दिया गया है कि क्या लीगल प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइंस है जिनका पालन होगा और उसी के क्रम में वो जो लिख कर देंगे उसके बेसिस पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक। सुना आपने, लीपापोती चालू है ना, वो कह रही हैं कि अभी इस मामले में देखा जाएगा उसने फांसी लगाई। आपको कैसे पता कि फांसी लगाई, आपको कहना चाहिए था वो लटका हुआ मिला। इन तस्वीरों को भी देखिए जो आपका दिल दहलाएंगी, विचलित कर सकती हैं, इसलिए आवाज को बंद करके सुना रही हूँ। और योगेश के भाई ने क्या कहा? भैया क्या हुआ आपके साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र। जितेंद्र क्या आप चिपियाने की चौकी पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? कल मेरे भाई को टालाए थे, इन्होंने 5 लाख रुपए दे दो।
मेरे 50,000 रुपए ने रात दे दिया, 1,000 रुपए ने दारू घुमा के, और फिर 4,500 रुपए मिल के मैं सुबह दे दूंगा। इन्होंने कहा तेरे भाई को सुबह छोड़ देंगे, और इन्होंने पास लगा के मार दिया इन्होंने। और सुबह से 6 बजे से खड़ा हूँ, रात में 9:30 बजे तक यही पे भूखा प्यासा मैं, मेरी मम्मी मेरा भाई बेटी यही पे। किसने मांगे थे पैसे? इन्होंने मांगे थे ये दरोगा। योगेश के भाई की बात आपने सुनी तो आप ये भी समझेंगे कि अब समय आ गया है कि आप भी आंखें खोलिए। आंखें नहीं खोलेंगे तो ये आग आपके घर तक भी पहुंचेगी। अराजकता का ये माहौल, पुलिस के हाथ में इतनी शक्ति कि वो उसका दुरुपयोग करे, किसी की जान ही ले ले। योगेश के भाई का आरोप है कि पुलिस वालों ने उसे फांसी पे लटका दिया। ये आग हम सबके घरों तक पहुंचेगी अगर सोच समझ के वोट नहीं किया। चुनावों के 3 चरण बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव है, इस बार आप सोच समझ के वोट करिए। देखा ना आपने, महिला पहलवानों ने जिसके खिलाफ आवाज उठाई, उसके साथ खड़ी है ये सरकार। उसको टिकट मिला अपने बेटे के लिए, क्या यही चाहते हैं आप? मोहनलालगंज, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, जलौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा के लोग इस वीडियो को ठीक से देखिए, क्योंकि आप मतदान करने वाले हैं 20 तारीख को। सोच समझ के वोट करिए, क्योंकि अगर कोई इन हालातों को बदल सकता है, आपको सुरक्षित जीवन दे सकता है, तो वो भाजपा तो कतई नहीं, योगी आदित्यनाथ तो कतई नहीं, वो केवल कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस की सरकार है। केंद्र में बदल दीजिए सरकार, और फिर बाद में सोचा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भी कैसे बदली जाए सरकार। हाथ बदलेगा हालात, कांग्रेस को वोट दीजिए, ताकि दोबारा किसी परिवार को अपने बच्चे को इस तरह से गंवाना ना पड़े।